हे गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली, मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका अपना ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग दोस्तों। ये मॉर्निंग का रूटीन है मेरा। मैं अभी आलू का पराठा बना रही हूँ और मेरे यहाँ किचन नहीं है, आप सब लोग जानते हो। तो एक ही घर में रहता है तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा रहता है। दोनों बच्चे रहते हैं, सूती भी इसी घर में हो, सारा सामान भी किचन का सेट इसी घर में रहता है, गैस वैस भी है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करते रहती हूँ। पर क्या करूँ, जो हूँ जैसे हूँ वैसे में ही मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इधर मैं आलू का पराठा बना रही थी नाश्ते में सब लोगों के लिए, और मेरा बाबू देखो कैसे कर रहा है, बार बार इसको दे दी हूँ खाने के लिए फिर भी। तो हम लोग जैसे भी रहते हैं ना वैसे ही दिखाना चाहिए ब्लॉग में, बिल्कुल सच्चाई रहता है ब्लॉग में, मतलब कि हम जैसे हैं, हमारा घर जैसा है, हमारा स्थिति जैसी है, हम वही दिखाते हैं इसमें। और मेरा कार्तिक बाबू बार बार मोबाइल को हिला रहा था, बोल रहा था मुझे दे मुझे दे। जब भी वीडियो बनाती हूँ तो दोनों में लड़ाई होने लगता है, मुझे पकड़ना है मोबाइल तो मुझे पकड़ना है, ये दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना पाती हूँ, ऐसे में बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढती रहती हूँ, मतलब कि बच्चे आवाज़ ना करे, कुछ हल्ला गुल्ला ना करे, ऐसे में मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि रात में भी मैं मोबाइल चलाते चलाते नींद आ जाता है हम लोगों को, इसीलिए। तो बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, अपलोड करना, और बिल्कुल सच्चाई रहता है। हम लोगों को ब्लॉग में कोई भी झूठ ना दिखा रहे हैं कुछ, और हम हैं कुछ, हम लोग जैसे भी हैं वैसे पूरा रियलिटी है वीडियो में मेरे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे किचन का बहुत शौक है, पता नहीं कब वो शौक पूरा होगा। और आप लोगों से बातें करते करते मैं पराठा भी बना ली, आइए आप लोग खा लीजिए, मेरा बाबू तो खा रहा है। और इधर देख रहे हैं इसने कहीं क्या करके रखा है अपने हाथ में, ये अपना पूरा काजल था ना, इसको मैं काजल लगाती थी टिक्का, पूरा काजल अपने मुंह में लेप लिया है, देख रहे कैसा लग रहा है, काजल का डिब्बा भी ले रखा है हाथ में, मतलब कि क्या बताऊँ, पूरा कपड़े में लगा दिया था कल मैं इसको, बहुत ज़्यादा मतलब कि पिटाई नहीं की पर थोड़ा बहुत मारी जरूर थी। और इधर उसको मैं डांटी ना, डांटी तो सुशांत भी डर गया, और ये कार्तिक ही पूरा कपड़ा को फैला के रख दिया था काजल के चक्कर में। मैं कपड़ा बर्तन धोने चली गई थी और ये दोनों घर में थे, तो मैं बहुत गुस्सा की कार्तिक पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा की, तो सुशांत भी डर गया और पूरा कपड़ा सेंध के रख रहा है ये देखिए, क्योंकि कार्तिक पूरा बिखेर के रख दिया था वहाँ पे चढ़ने के लिए, शीशा पे रखा हुआ था ना, तो शीशा पे कपड़ा हटा के पूरा चढ़ लिया, फिर पूरा बिखेर के रख दिया। तो सुशांत पूरा ठीक कर रहा है, ये सोच रहा है कि मम्मी मारेगी मुझे, इसीलिए मैं पूरा ठीक करके रख देता हूँ। तो सारा कपड़ा सुशांत ठीक कर रहा है, देख रहे, वैसे सुशांत थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है काम वाम में, ऐसा नहीं है मैं बोलती हूँ तो। और इधर दोपहर हो गया है, मतलब कि दोपहर नहीं 4 बज रहे हैं, ये 3:30-4 बज रहे हैं, तो इसे पढ़ने के लिए आ गए। पढ़ते समय भी कार्तिक को ज़रा सा भी चैन नहीं है, ज़रा सा भी नहीं, ये बोल रहा है मुझे बैग चाहिए, मुझे स्कूल जाना है, तो मैं इसको बैग दे दी सुशांत वाला, और ये मतलब कि खेलेगा ऐसे, और मैं इधर इन लोगों को पढ़ा देती हूँ। मुझे इतना मतलब कि इतना काम धंधा करने के बाद भी 1.5 घंटा मैं इन लोगों के साथ बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि मेरा सुशांत बाबू ना तो ट्यूशन जाता है ना तो स्कूल जाता है, मैं ही पढ़ाती हूँ इसे, इन दोनों बच्चों, ये मेरे बगल के 2 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मेरे साथ, मतलब कि मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं सुशांत को भी उसी समय बैठकर पढ़ाती हूँ। थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि अभी 6-7 साल का है, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, और हमारी स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इसको अभी स्कूल में नहीं डाल रही हूँ आप लोगों में बहुत, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ अपनी स्थिति को लेकर ही। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, इसीलिए सब यूट्यूब पे आते हैं। और इधर मैं पढ़ा वढ़ा ली, तो इधर काम धंधा मैं शाम का कर रही थी, तो ये पहले मैं बर्तन रख ली, क्योंकि हम लोग बर्तन सुखा के रखते हैं, तो बाहर बर्तन था, बच्चे और चले गए, तो मैं सोची रख लेती हूँ बर्तन, सेंत के रखना पड़ता है ना इधर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और इधर एकदम से शाम हो गया, 5:30-6 बज गया, क्योंकि नहीं 6 बज रहा है अभी, 6 बजे मैं कपड़ा धो रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा ली, इतना बड़ा वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी मैं, मेरे में स्टोरेज भी नहीं रहता, तुरंत फुल हो जाता है। तो इधर कपड़ा रखा हुआ था, बर्तन था, तो मैं सोची शाम हो गया धो लेती हूँ अब, और फिर रात का खाना वाना होगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।